मैं द्वारका लक्की फ्लैट से आज आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं आपको लेके आऊं सेक्टर 18 के अंदर बेलूर कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग के अंदर, जिसके अंदर 4 BHK, 3 टॉयलेट और 5 बालकनी के साथ है। बट ये रॉ फ्लैट है, लेकिन ये कॉर्नर का फ्लैट है। इसमें सुबह से शाम तक की धूप होने वाली है। बहुत शानदार इसका साइज है और कॉर्नर फ्लैट है, धूप बहुत बढ़िया है। तो आइए मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। अपने फ्लैट के बाहर ऐसे कॉरिडोर है, आप देखेंगे इसमें 2 लिफ्टें हैं, एक नई है एक पुरानी इसमें, लेकिन ये भी नई लगने वाली है। इधर की साइड में एक जीना इधर से जाता है और एक जीना इस तरफ से जाता है। तो ये 2 जीने हैं इस तरफ से और 2 लिफ्टें हैं। ये हमारा फ्लैट का बाहर का फ्रंट एरिया है और इसके अंदर आप देखेंगे काफ़ी अच्छा पत्थर लगा हुआ है। और स्टार्टिंग में इसका पहला बेडरूम स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए आप, बेडरूम की अगर मैं बात करूँ तो 10x11 के आसपास का इसका फर्स्ट बेडरूम होने वाला है। और इसके साथ में ये इसकी एक क्रॉस वेंटिलेशन के लिए खिड़की भी है इस तरफ, आप देखेंगे। और इसमें भी सूरज की रोशनी आती है। और एक बाथरूम ये है इसका, ये इसका फर्स्ट बाथरूम है, इसके साथ अटैच बाथरूम है। आइए मैं आपको इसका ड्राइंग रूम डाइनिंग में ले चलता हूँ। ये हमारा इसका ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम के साथ में भी एक बालकनी है। जो बालकनी में भी आप देखेंगे प्रॉपर सनलाइट है, इसके अंदर में भी सूरज की रोशनी पूरे बेडरूम के अंदर आ रही है। और बालकनी का साइज भी काफ़ी ठीक ठाक है, मंदिर को फेस करती है ये बालकनी। इधर से भी मेन रोड दिखाई देता है। अभी मैं और आपको इसे दिखाता हूँ। अभी हम दिखाते हैं इसका डाइनिंग स्पेस। ये हम इसके डाइनिंग स्पेस में आ गए हैं। डाइनिंग के अंदर भी आप देखेंगे डाइनिंग काफ़ी शानदार है इसका। चाहे तो ये वॉल जो अभी आप देख रहे हैं, ये वॉल अगर आप हटा देते हैं तो ये आपका एल शेप का ड्राइंग रूम डाइनिंग बन जाता है। और इसका किचन देखें आप, किचन का सबसे बड़ा साइज है इसका, किचन बहुत बड़ा है। किचन की अगर मैं साइज की बात करूँ, करीब करीब 10x12 के आसपास का इसका किचन का साइज होने वाला है। और इसकी जो एक खास चीज़ और है, जो सबसे बड़ी बालकनी है वो ये है, जो इसका इधर से किचन के साथ से ही आती है। ये इधर भी छोटा सा एरिया है। और ये बालकनी का मेन रोड फेसिंग की ये बालकनी है। मॉर्निंग की धूप इधर को आएगी, शाम की धूप बाकी उधर की बालकनी में जाएगी। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका एरिया है और मेन रोड बिल्कुल यहाँ से साफ दिखाई देता है। बहुत शानदार एरिया है, व्यू बहुत अच्छा है इस फ्लैट का। और अभी मैं आपको इसका दिखाता हूँ, ये दूसरा बेडरूम। और इसका दूसरा बेडरूम सारे बेडरूम से सबसे बड़ा बेडरूम होने वाला है। ये करीब करीब आपका 13x14 के आसपास का इसका रूम साइज होने वाला है। इधर अलमारी का स्पेस है और ये इसका बालकनी का पार्ट है। आप देखें बालकनी भी काफ़ी शानदार है इसकी। इसमें भी अभी आप देखेंगे धूप आ रही होगी। और अभी हम अभी 1 बज रहा है और इस तरफ से पूरे सूरज की रोशनी आपके इस बेडरूम में आती हुई दिख रही है। और अभी इसके साथ में ही आप देखेंगे इसका अटैच बाथरूम भी है। रॉ फ्लैट है, लेकिन इसके बाथरूम जितने बड़े बड़े आप देखेंगे, अभी तक आपने देखे नहीं होंगे इतने बड़े बाथरूम है इसके। पूरा बड़ा बाथरूम है आपका यहाँ तक का, बहुत शानदार एरिया है इसका। इसमें काम जरूर कराना पड़ेगा क्योंकि ये रॉ फ्लैट है। रॉ फ्लैट की वीडियो इसलिए बनाने आया हूँ मैं क्योंकि काफ़ी लोगों की डिमांड आई थी कि सेक्टर 18 में हमें कोई 4 बेडरूम दिया जाए, तो वीडियो बनाई, तो इसलिए मैंने आपके लिए 4 बेडरूम की वीडियो बना रहा हूँ मैं। और ये है भी आप देखेंगे इसका तीसरा बेडरूम। तीसरे बेडरूम की अगर बात करी जाए तो 11x12 के आसपास का कम से कम इसका साइज होने वाला है, काफ़ी बड़ा। ये अलमारी का स्पेस है पूरा। और ये इसके साथ में इसके अटैच बालकनी है। बालकनी का भी व्यू काफ़ी शानदार है। कॉर्नर फ्लैट है इसलिए इसकी 5 बालकनी जो है सारी कॉर्नर को पड़ती हैं। और सनलाइट इसमें अभी भी आप देखेंगे आ रही है, इसमें भी सुबह भी आएगी और शाम तक भी रहेगी इसमें। और अभी मैं आपको ले चलता हूँ इसका फोर्थ एंड लास्ट बेडरूम। लास्ट बेडरूम में जाने से पहले इसका ये कॉमन टॉयलेट आपको मैं दिखाता हूँ। ये कॉमन टॉयलेट है इसका, काफ़ी बड़ा कॉमन टॉयलेट है। इसके सारे टॉयलेट का साइज सबसे बड़ा है तकरीबन सारे फ्लैट के अंदर, बड़े बड़े बाथरूम हैं। फ्लैट का बात आपका ये बन सकता है। और अभी मैं आपको इसका दिखाता हूँ ये फोर्थ एंड लास्ट बेडरूम। इसके भी साइज की अगर बात करें 12x11 के आसपास का इसका होने वाला है, इससे कम नहीं है, ज़्यादा ही होगा। ये इसका अलमारी का स्पेस और एक बालकनी इसके साथ भी है। ये भी बालकनी एकदम बिल्कुल कोने की है और इसमें भी प्रॉपर सनलाइट है, मेन रोड पूरा दिखाई देता है। सामने स्कूल है, हॉस्पिटल है, सेक्टर 18 के अंदर ये सोसाइटी आती है। इसका नाम है बेलूर कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग और बहुत अच्छी सोसाइटी है। फ्लैट बहुत अच्छा है, लिमिटेड फ्लैट आते हैं इसके अंदर, लिमिटेड फ्लैट आते हैं सोसाइटी के अंदर और बहुत जल्दी सेल हो जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा ये आपको फ्लैट की वीडियो में बना दूँ और दिखा दूँ। रॉ फ्लैट होने वाला है ये। इस रॉ फ्लैट की सबसे बड़ी बात क्या है कि आप अपने हिसाब से इसको
तैयार कर सकते हैं, बार्गेनिंग भी हम कर सकते हैं बैठ के। अगर यदि प्राइस जानना हो तो डिस्क्रिप्शन में जरूर देख लीजिएगा, आपको इसका प्राइस भी मिल जाएगा, नेगोशिएबल प्राइस का ये फ्लैट है। और सेक्टर 18 की कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग बेलूर, और सेक्टर 12 का मेट्रो स्टेशन के नज़दीक लगता है, रेडिसन होटल, विकास मॉल सब इसके नज़दीक है, 4-5 स्कूल हैं इस सेक्टर के अंदर। सेक्टर 18 बहुत ही प्राइम सेक्टर है, इसीलिए आप यदि आपको फ्लैट देखना हो तो मेरा नंबर है 9911880012 पर आप कॉल कर सकते हैं, मैं आपको सारी चीज़ें आपको डिटेल में इसकी बता दूंगा। इसी तरह से मेरे चैनल को देखते रहिए, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।